ताजमहल प्रेम की एक काव्यमय गाथा। आगरा के शानदार शहर में यमुना नदी के किनारे एक ऐसा स्मारक खड़ा है जो न केवल संगमरमर की उत्कृष्टता का प्रतीक है बल्कि प्रेम की एक अमर कहानी भी बयां करता है। यह है ताजमहल, जिसकी सुंदरता सदियों से कवियों और कलाकारों को मोहित करती रही है। शाहजहां, मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट, अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के निधन से इतने व्याकुल थे कि उन्होंने उनके सम्मान में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाने का फैसला किया। बाईस साल की शादीशुदा जिंदगी में उनका प्यार एक दूसरे के लिए समर्पण और सम्मान से भरा था। मुमताज महल 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी, जिससे शाहजहां को गहरा दुख हुआ। 20,000 से अधिक कारीगरों ने 22 वर्षों तक अथक प्रयास किया ताकि शाहजहां का सपना साकार हो सके। उन्होंने फारस, इटली और मध्य एशिया से संगमरमर, जड़े हुए पत्थर, सोना और अन्य कीमती सामग्री मंगवाई। ताजमहल की वास्तुकला इस्लामी, फारसी, तुर्की, भारतीय और मध्य एशियाई शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी सुंदरता न केवल इसके भव्य बाहरी हिस्से में बल्कि इसके जटिल जालीदार काम, सुलेखित आयतों और आंतरिक हॉल के शांत वातावरण में भी झलकती है। शाहजहां अपनी बेगम के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था, इसलिए उसने उनके मकबरे को अपने बगल में बनवाया। उनकी कब्रें संगमरमर की बनी हैं और जटिल फूलों की नक्काशी और कीमती पत्थरों से सजी हैं। सदियों से ताजमहल प्रेम की एक सार्वभौमिक कहानी कहता रहा है। यह न केवल मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है बल्कि यह मानव जाति की भावनाओं और समर्पण की शक्ति का भी प्रतीक है। तो अगली बार जब आप ताजमहल देखें तो न केवल इसकी भव्यता को देखें बल्कि उस प्रेम कहानी को भी महसूस करें जिसने इसे जन्म दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के बारे में जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।